अबे लौड़े, बिना नौकरी के मेरी जिंदगी हो गई है भिखारी के जैसे। तेरा बढ़िया है, बिना कुछ करे सब कुछ मिल गया है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक बार मेरी गर्लफ्रेंड की सहेली ने मेरी गर्लफ्रेंड से पूछा, ये तेरा डायमंड नेकलेस तो बहुत अच्छा है। तो वो बोली, वैलेंटाइन गिफ्ट है पगली। फिर उसकी सहेली बोली कि फिर बता ना कितने का पड़ा। तो मेरी गर्लफ्रेंड बोली, 6 राउंड, 4 आगे से 2 पीछे से। तेरे पास डायमंड नेकलेस कैसे? अबे देना पड़ा उम्र रखने के लिए साली का, और वो डायमंड नेकलेस वो तो था पिछली वाली का। लौड़ू भले ही तूने पहले कितनों की ली हो, लेकिन मैं डर गया था इस वाली के लिए कि तूने अपनी किडनी ना बेच दी हो। चल जो हो हटा, तू आगे बता। फिर उसकी सहेली उससे बोली, पता नहीं मेरा वाला कब देगा मेरे हुस्न का रेंट, फिर भी तू चेकअप करते रहा कर, कहीं हो ना जाए प्रेगनेंट। फिर मेरे गर्लफ्रेंड की आंखें रह गई फटी की फटी, चेक करने पर सच में निकली हो गर्भवती। फिर वो मुझसे बोली, मैं गर्भवती हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि घर वाले को कैसे बताऊं। तो मैंने कहा, अगर तुम इतनी आसानी से टांगे खोद सकती हो तो मुँह क्यों नहीं। देख भाई, ये सेक्स वेक्स भले होगा तेरा धंधा, पर मैं तेरी गर्लफ्रेंड पद्मा को पहले से जानता हूँ, वो कर ही नहीं सकती ऐसे काम गंदा। अबे सुनती है सब, जब चढ़ती है ठरक, आज दुनिया में सारे झूठ एक साइड और ऊपर ऊपर से करूंगा बेबी वाला झूठ दूसरी तरफ। लेकिन मेरी चूदमल वीरे वो एकदम शांत स्वभाव की थी, बोलती भी थी धीरे। अबे वो बहन की लौड़ी कछुए से भी धीरे धीरे बोलती है, लेकिन अब चुदाई के लिए धड़ाधड़ कपड़े खोलती है। शुरू में मना किया उसने, लेकिन मैंने सीधा बोल दिया कि देख, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवन भर साथ दे, पर जब तक साथ है तब तक तो पहले दे। हाँ वे बदल गए हैं सब, अब तो शर्मिले भी मारते हैं फूल के पाद। अच्छा तू बता, वो प्रेग्नेंट हो गई, हुआ क्या उसके बाद? अब जब ये बातें गर्लफ्रेंड फैमिली को बताने से डरते हैं, तो बॉयफ्रेंड को बोलना ही पड़ता है कि चलो बेबी शादी करते हैं। उसने अपने पापा को कहा कि पापा ये लड़का मुझे पसंद करता है। तो उसके पापा मुझसे बोले कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? तो मैंने कहा जी हाँ, पूरी तरह खुश रखूंगा। तो फिर वो बोले कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी? तो मैंने कहा अपनी बेटी से ही पूछ लो कि ये मेरे रूम में आती है तो कितना ज्यादा खुश रहती है। फिर क्या, उसके बाद हमारी शादी हो गई और मैं ससुर का धंधा संभालने लगा। अबे तुझे तो बढ़िया लड़की से शादी करके मिल गया बिजनेस और लैंड, पर तेरी पहले की कई गर्लफ्रेंड जिनके साथ तूने सेक्स वेक्स किया है, क्या सोचेंगे उनके हस्बैंड? अबे जिन लौड़ों को सुहाग रात में चुदी चुदाई बीबी मिलती है, वो लोग ना सुबह सुबह कहते फिरते हैं कि लड़कियों की सिर तो साइकिल चलाने से भी टूटती है। अबे तुम लोग शादी करके बढ़िया हो गए सेटल, मैं बस नौकरी के लिए रहा हूँ। रवि ने भी बिजनेसमैन की बेटी से शादी की है, वैसे आजकल कर क्या रहा है वो? अबे वो रवि की साली थी ना, तो साली जीजा में ना सेटिंग हो गई, तो उसकी साली भी शादीशुदा है। तो एक बार ना रवि उसकी साली से बोला कि मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। फिर उसकी साली बोली कि मेरे पति तो कहते हैं कि उन्हें दीदी के साथ मजा आता है। तब से वो रवि ना बेवड़ा हो गया है, रवि की तो हो गई जुड़ गति। वैसे तुमसे भी तो एक थी ना लड़की पति? अबे यार मेरा ना छोटा है, इसलिए उसे अंधेरे कमरे में ले गया और उसके हाथ में मेरा लन दे दिया। तो वो बोली, अबे लौड़ू मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। तब से उससे बात आगे बढ़ाई नहीं, अलग हो गया। अबे छोटा लन छोटा स्तन, अरे वो चूस लेगी तू लेना दबा। भाई प्यार में ना ये सब मैटर नहीं करता, तू उसे फिर से मना। अबे लौड़ू अब दूसरों से चूत चूत कर रान हो गई, और चबूतरे से बड़ी तो उसकी गांड हो गई। अबे साले बिना गर्लफ्रेंड के हाथ में पड़ जाते हैं साले। हाँ यार इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि रंडी पेलते हुए पकड़े जाओ तो इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी मुट्ठी मारते समय पकड़े जाने पर होती है। अब तू तो एक्सपर्ट होगा ही इनमें, तेरा तो बचपन में ही मोटा था और हिलाने का काम तो तब से कर रहा है जब तू बहुत छोटा था। मैं जब 10 साल का था ना, तो एक दुकान में जाकर बोला कि एक पैकेट सिगरेट देना। तो दुकानदार बोला, इतनी कम उम्र में सिगरेट पीते हो? तो मैंने कहा, मादर चोद नेता मत बनो, ये तो मेरे छोटे भाई के लिए है, मेरे लिए 2 कंडोम देना। तो ये चीज ना मेरा शुरू से ही धंधा है, तो ऐसा अपना बचपन से ही है रॉब। वैसे धंधे से याद आया, कैसे चला गया तेरा जॉब? पता नहीं, लगता है किसी ने बॉस को लगा दिया मेरे बुराई का चूना, वरना वो कुछ भी नहीं बोल पाता था मुझे, उल्टा मैं उन्हें देता था 10 गाली सुना। भाई अगर कोई तुम्हारी 10 गालियां खाने के बाद भी खामोश है, तो इसको उसकी कमजोरी मत समझो।
हो सकता है कि वो आपकी गान वाने का प्लान बना रहा हो। फिर एक दिन मुझे गुस्से से जॉब से निकाल दिया, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, और वो भी इसलिए कि मैं ऑफिस में थककर अपने फ्रेंड संतोष की गोद में सर रखकर सो गया। भाई मत सोना किसी के सर में गोद रख कर, जब उसका खड़ा हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। नौकरी छूटने के बाद पापा चाहते हैं कि बेटा पढ़ने के लिए सुबह से जाग जाए। यार पढ़ पढ़ कर आंखें दर्द करने लग गए हैं, कहीं चश्मा ना लग जाए। हमारा एक और वो ठरकी दोस्त है ना कालिया डामर, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ता है फिर भी उसके आंखें हैं बराबर। जो लड़े दूर से ही घूर कर लड़की की ब्रा और पेंटी का रंग बता देते हैं, उन लोगों को ना चश्मा नहीं लगता। और तू जॉब को लेकर इतना मत डर, टेंशन आए तो आने दे, तू चिल कर। वही तो बहन चो, जब जॉब छूटी तो मुसीबत में था तो किसी ने नहीं देखा, और कल टेंशन दूर करने के लिए ठेके पर गया तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट गया। मैं ना जॉब करने के लिए वो सोशल मीडिया तक में गया कि कहीं तो जॉब मिले, और तब समझ आया बहन चो, इतनी क्वीन तो राजा महाराजा के जमाने में भी नहीं थी जितनी क्वीन आजकल इंस्टाग्राम पे घूम रही है। बेटा लग जाता नौकरी अगर तूने स्कूल नहीं किया होता बंक, अभी तूने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था वो थोड़ा सा चूक गया क्योंकि तेरे कम पड़ गए 10th के 2 अंक। हाँ अंकल, जब हम लोग 10th में थे ना तो मैडम इससे बोली कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बताओ। तो ये बोला कि मैडम छुट्टी के बाद आपकी स्कूटी पंचर मिलेगी। वैसे वो स्कूटी मैडम के बैठने पर पंचर हो जाती क्योंकि वो थी डम्फर, लेकिन तेरे जवाब से गुस्सा आकर काट दिए तेरे पैट्रिकल के 2 नंबर। अब क्या करें अंकल, जॉब लगने तक इसे ना बैठा के खिलाइए। वैसे नौकरी के लिए इसको कितना नंबर चाहिए? 59। 59 मतलब? अरे यार ये स्कूल में ना 1 से 100 तक गिनती अनिवार्य करा दी जानी चाहिए, तुम नई पीढ़ी को बताना पड़ता है 59 मतलब 96। बेटा वो हमारे रिश्तेदार वर्मा को मैंने बाटली के साथ साथ चखना भी खिला दिया, उन्होंने कहा कि तुमको नौकरी दे देंगे। मैंने बोला था वैसे तुमने अपना बायोडाटा उनको बता दिया। अब मैं रिश्तेदारों को दिखाना नहीं चाहता फेस, और नौकरी देना है तो दे देंगे, मैंने कर दिया है मैसेज। बेटा इंडिया में सिर्फ मैसेज करने से काम नहीं चलता है, कॉल करके भी बताना पड़ता है कि मैसेज कर दिया है, चेक कर ले। रिश्तेदारों से दुखता है सिर लगाना पड़ता है बाम। मैंने मंदिर जाके बोल दिया है भगवान को, अब कुछ महीने में लग जाएगा मेरा काम। बेटा नौकरी लग जाएगी तो हो जाएगा चौड़ा हमारा सीना, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि इस काम में बस लगेंगे कुछ ही महीना। अरे पापा टंकी में गर्म पानी के लिए दुआ जो मैंने सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर गर्मी में मिला है, इसका मतलब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बेटा सब लोगों का रिजेक्शन हो रहा है, सब लोग डर रहे हैं, तो इसलिए बेटा तेरे लिए अच्छा होता कि तू अपने प्रॉब्लम के बारे में अपने दोस्तों को बता जो नौकरी कर रहे हैं। पापा कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर हम अपना दुख किसी को बताते हैं तो वो हमसे ज्यादा अपना बताता है, चाहे बात बीमारी की हो या आर्थिक तंगी की। अंकल अगर ये किसी अमीर लड़की को पटा ले तो इससे इसके दुख हो जाएंगे आधी, क्योंकि उसके बाद इसका सब कुछ हो जाएगा, बस हो जाए शादी। बेटा जब मैं कम उम्र का था ना तो मेरी भाभी के बहन पे मेरा दिल आया, फिर मैंने भैया के हालात देखकर अपना विचार बदल लिया, तो बेटा उम्र होने भी दे थोड़ा। वैसे सच बोलूं तो शादी ना करनी ही नहीं चाहिए, औरत का दिल ना पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह, तो जब ये मिलते हैं ना तो जिंदगी कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और कितना मिलता जुलता है गुमशुदा और शादीशुदा, गुमशुदा घर से गुम हो जाता है और शादीशुदा घर में गुम हो जाता है। आप ये सब छोड़िए, मम्मी ने बोला है आपको पेंट करने के लिए वरना होगा बवाल, और पेंट एशियन पेंट से करना क्योंकि कहते हैं वो चलता है सालों साल। एशियन पेंट सालों साल चले या ना चले पर उसकी वारंटी 10 सालों तक चलती है। और बेटा तेरी माँ की बात मत कर, कल मैंने इसकी माँ से कहा कि मैं अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए सरपंच से बात करना चाहता था लेकिन वो कोमा में चले गए, तो इसकी मम्मी बोलती है कि पैसे वाले हैं जी कहीं भी जा सकते हैं। मम्मी आ गई,